सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स। फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम 24 तारीख को है और ये एग्जाम जो है कई लोगों के लिए इतने ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग हर एक एग्जाम को सीरियसली लेते हैं उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का है, इंग्लिश का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या अकाउंट्स और इको का है। उनके लिए सारे एग्जाम्स बराबर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए भी सीरियस होगे अगर आप उन लोगों में से एक हो। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है तो भी उसे इस वीडियो की नीड पड़ेगी। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, या मैं यूं कहूं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। हम लोग एक या दो दिन देते हैं उन चीजों की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप 4-5 दिन 1-2 घंटे प्रिपरेशन कर लोगे, 1 दिन 10 घंटे प्रिपरेशन करने के बाद, तो कम से कम आपके ऊपर वो प्रेशर तो नहीं होगा। तो बस मैं यही कहूंगा कि गाइस प्लीज वर्क करना स्टार्ट कर दो। ये जो वीडियो है ये है फिजिकल एजुकेशन के सैंपल पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, जो कि लास्ट 7 इयर्स के पेपर हैं। इन 7 इयर्स के पेपर्स को देखने के बाद आप इस बात को रियलाइज कर सकते हो कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप एक कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। हालांकि आप लोगों को ये पेपर्स कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये पेपर्स देना चाहता हूं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको एक ही जगह से सारे के सारे पेपर्स मिल जाए। तो पिछले कुछ लास्ट इयर्स के पेपर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ पीडीएफ लिंक करे हैं, आप प्लीज उनको डाउनलोड जरूर करो और कंपेयर करो और देखो कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आपको ये खुद करना है। कई सारी वीडियोस मैं देखता हूं जहां लिखा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, फलाना क्वेश्चन, ठिकाना क्वेश्चन। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी क्वेश्चन की शक्ल पे लिखा होता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा रिपीट होता है उसी को हम इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो दूसरों पर ट्रस्ट करने की जगह आप ये चीज खुद देखो। मेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर मैं जो भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं आप खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन को लेके अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो आप पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उनको कंपेयर करके खुद ये देख सकते हो कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, और उसके जरिए आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक सही मायने में इंपॉर्टेंट कहलाएंगे और आप उनको सबसे पहले प्रिपेयर करोगे और बाकी चीजें भी बाद में कर सकते हो। और गाइज, अगर 12th क्लास इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को लेकर प्रिपरेशन को लेकर आप डाउट में हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मैंने प्लेलिस्ट के लिंक छोड़े हैं, नोट्स के लिंक छोड़े हैं, तो आप उनको डाउनलोड करके जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू वर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन।